हमारे हरे राम बाबा की एक पुस्तक है करुण पुकार, हमारे महाराज जी ने उनकी अनुमति लेकर उनकी रचनाओं को उनके सामने ही प्रकाशित किया, करुण पुकार नाम से, बड़े प्यारे प्यारे पद हैं। वो महात्मा बहुत उच्च कोट के थे, हमारे महाराज जी कहते थे अनेकों बार भगवत साक्षात्कार इनको हुआ, प्रेमी संत थे। और बाहर से व्यवहार ऐसा था, हमारा गाली देते और चैतन कुटी तो रोज ही जाते थे, लगभग नित्य ही जाते थे, जब चलते फिरते थे तो चैतन कुटी पर खूब कृपा थी उनकी। तो बाबा का जब कूल्हा टूट गया और हम लोग उनकी सेवा करने लगे तो महाराज जी ने करुण पुकार छपवा दी। उनकी हम पद गाते थे, कोई एक माताजी सुन करके पद पढ़ करके पुस्तक उनके हाथ में लगी होगी और पुस्तक पढ़ के बड़ी श्रद्धापूर्वक वो आई दर्शन करने। 95 से तो पहले शायद 92-93 तो उनका शरीर पूरा हो गया, तो 92-93 से पहले की बात होगी, 92 की बात होगी, 91-92 की बात होगी संभवतः। तो माता जी आई, हमसे ही मिली, बोली ये पुस्तक के पदों के लेखक अभी विराजमान हैं संत। हम हाँ विराजमान हैं, तो हमको इनके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने भी कुछ महिमा सुनाई, बोली मैं तुम्हारा धन्य हो जाऊंगी, आप कृपा करें उनका दर्शन कराएं, चलो। तो बाबा दिगंबर रहते थे तो कोई आहट मिलती, गए यहाँ नंडा बैठा हूँ, भाग जाओ यहाँ कोई मत आना, ऐसे बोलते थे। हम लोग पहले कपड़ा पड़ा उनको उड़ा देते थे, कपड़ा उड़ा दिया। महाराज जी बहुत श्रद्धा लेके आइए बाबा, इसको आशीर्वाद दीजिए। तो एक पैकेट सेव, सेव फल और 50 रुपया महाराज जी के भेंट दी। अब 90-91 का 50 रुपया, आज का 500 रुपये तो है ही है। अब तो 50 रुपया भी, अब तो 100 रुपये भी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रही 100 रुपये की। 50 रुपया दिया, हम लोग तो महाराज इतने प्रसन्न होते थे फल आने पर कि अब ठाकुर जी को भोग लगे, हमको फल खाने को मिले, कहाँ सूखे सूखे फुलका रोज खाने को मिलते, कहाँ मिठाई खाने को मिले, कहाँ फल खाने को मिले। हम बड़े प्रसन्न थे कि चलो बढ़िया से आया है, खाने को मिलेगा। बाबा ने रख लिए सब, भेंट भी रख ली। क्या नाम है तेरा, तोतले बोलते थे, क्या नाम, उसने नाम बताया, कहाँ रहती है, मैं वहाँ रहती हूँ। तो तेरा बाप है, कि नहीं मेरे पिताजी पधार गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैया है, बोले हाँ मैया है। भाई है, बोले हम भाई है। बहन है, बोले हाँ बहन है। सबका विवाह हो गया, हो गया। तेरा हुआ कि नहीं हुआ। अब आप संत के पास बहुत श्रद्धा लेके जाएं, उनसे यही बातें करें, उनको कैसा लगेगा कि कैसे महात्मा हैं, राम राम श्याम श्याम कुछ नहीं, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे भी नहीं, खाली तेरा बाप कहाँ है, तेरी मैया मर गई, ये सब पूछ रहे हैं, कैसे महात्मा है। उसने कहा मेरे पिताजी जल्दी ख़त्म हो गए थे और मेरी माँ के ऊपर बड़ी विपत्ति थी, तो मैंने ही थोड़ी नौकरी किया और महाराज जैसे तैसे मैंने अपने भाई को भी पढ़ाया, बहनों की भी नौकरी शादी किया, और मेरी शादी तो नहीं हुई क्योंकि मैं, मेरे ऊपर सब भार आ गया तो मैं कैसे शादी करती। उसके कहने का बात सही था, हमारी उम्र निकल गई और हम शादी हमारी नहीं। इतना सुनते ही बाबा हाथ जोड़ के कहते, देवी मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मैं अब किसी काम लायक नहीं हूँ, तू और कहीं चली जा। अब बताओ कोई संत के पास श्रद्धा लेके जाए और संत जो श्रद्धा लेके जाए उसी से ऐसा बोले तो उसको कैसा लगेगा। वो तो एकदम गर्म हो गई, बोली आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप इतने वृद्ध हैं, मैं आपके सामने क्या हूँ, आप कैसी बात बोल रहे हैं, आप साधु हैं। उसने कहा किसने तुझे बहका दिया मैं साधु हूँ, मैं डुंडा हूँ, डुंडा, तोतले बोलते थे तो गुंडा को डुंडा बोलते थे, मैं डुंडा हूँ डुंडा। किसी अच्छे साधु की सेवा करेगी तो तुझे पुण्य मिलेगा और डुंडे की सेवा करेगी तो तुच्छ नहीं मिलेगा। हाँ ले 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 ले, जा बिटिया जा, ले जा ले जा ले जा,
उसके फल और भेंट वापस कर दी, ले जा ले जा ले जा ले जा। और वो ले भी गई, वो तो नाराज थी, वो ले गई। हमने कहा बाबा जैसे तैसे भगतानी को चिता के लाए थे, क्योंकि पैसा भी आपको रखना नहीं, पैसा भी हम ही लोग रखते और फल भोग लग जाता और 50 रुपया की रबड़ी आती, कुछ बढ़िया चीज़ आती, ठाकुर जी को भोग लगता, हम लोगों का बालकों का कुछ खाना प्रसाद पा लेते, बढ़िया मधुर प्रसाद पा लेते। तो आपने उसको भक्तानी को भगा दिया। तो बाबा बोले बच्चा इस काले मूड़ की माया से राम जी बचावे, हमने जब से घर छोड़ा है तब से धन और स्त्री मात्र से अपना संबंध नहीं रखा है। मैं वृद्ध तो, हमने कि बाबा आप तो वृद्ध हैं, भाई मैं तो वृद्ध हूँ, यहाँ रहने वाले सब वृद्ध तो नहीं हैं, और फिर साधु भेष की मर्यादा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, हम साधुओं के बालक हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। लोग संत वेश को नाम धरेंगे कि देखो बुढ़ा हो गया औरतों से घिरा रहता है, मैं संत वेश को लजा नहीं सकता। हमने कि बाबा मान लो वह द्वारा आ गई तो तब क्या करोगे? अब मैंने इस बार तो आपकी थोड़ा तकरार हो गई, उसकी श्रद्धा जम गई, द्वारा आ गई तो अब की बार गाली दूंगा, अब की बार तो केवल मजाक की, अब की बार गाली दूंगा। हमने कही गाली खा के भी आ गई तो डंडा मारूंगा। हमने कही बाबा डंडा मार के भी खा के भी यदि आपके पास आई तब क्या करोगे? इतना सुनते ही बाबा रो पड़े, बोले ऐसी श्रद्धा लेके आएगी बच्चा तो कन्हैया कैसे मिलता है मैं उसको बताऊंगा। बोलो आप कैसे पहचानेंगे कि ये संत हैं? सदा रहें अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। इसलिए महाराज और कुछ मत देखो, संत का वेश देखो और संत की सेवा में लग जाओ। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।